हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज एंड आप सभी लोग का वेलकम है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लकी आरजे में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर दोस्तों आप सभी लोग एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो यानी कि दोस्तों एक सीएससी वैली हो, तो दोस्तों आप सभी लोग के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई हुई है। सीएससी के द्वारा एक न्यू पोर्टल को जारी किया गया है जिस पोर्टल का नाम है डीएससी पोर्टल। पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि गवर्नमेंट की जितनी भी सारे सर्विसेज हैं जिसके लिए आमतौर पर लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट के दफ्तर में जाना पड़ता है या अपने ब्लॉक के दफ्तर में जाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट के दफ्तर में जाना और ब्लॉक के दफ्तर में जाना बिल्कुल भी बंद कर देंगे लोग। अब सिर्फ कॉमन सर्विस सेंटर से ये सारे सर्विसेज होंगे। जैसा कि अगर किसी के पास शौचालय नहीं है, शौचालय के लिए आवेदन करवाना है तो डीएससी पोर्टल से वो लोग शौचालय के लिए आवेदन करवा सकते हैं। अगर किसी के पास घर नहीं है, अगर घर के लिए आवेदन करवाना है तो वो डीएससी पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों किसी बच्ची के पास साइकिल नहीं है, स्कूल काफी दूर है और उसे साइकिल की जरूरत है, गवर्नमेंट स्कीम के तहत डीएससी पोर्टल से जाके अपना आवेदन करवा सकते हैं। डीएससी पोर्टल का जितना भी कार्यभार है वो सीएससी वैली को दिया गया है। सीएससी के द्वारा ही डीएससी पोर्टल में लॉगिन होगा एंड ये जितनी भी गवर्नमेंट की जितनी भी सारे सर्विसेज होती हैं, जितनी भी सारे स्कीम्स होती हैं, आप कोई भी सर्विसेज ले लीजिए, कोई भी स्कीम्स ले लीजिए, सारे स्कीम्स का बेनिफिट आप सभी लोग डीएससी पोर्टल से डायरेक्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो। जिसमें कि दोस्तों जो कमीशन आप सभी लोग का रखा गया है वो भी बहुत ही बेहतरीन रखा गया है। तो जितने भी सीएससी वैली हैं जो कि सीएससी से नाराज थे क्योंकि सीएससी के पोर्टल में ज़्यादातर गवर्नमेंट की सर्विसेज को हटाया जा रहा था, लेकिन दोस्तों सीएससी वैली को ये नहीं पता था कि इसलिए गवर्नमेंट सर्विसेज को हटाया जा रहा है क्योंकि एक नए पोर्टल की शुरुआत की गई है जिसका नाम है डीएससी पोर्टल। इस पोर्टल में गवर्नमेंट की सभी सर्विसेज सिर्फ सीएससी वैली लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं एंड सीएससी वैली का जो कमीशन है काफ़ी तगड़ा रखा गया है, बहुत ही बेहतरीन रखा गया है। मज़ेदार सा बताएंगे, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस कमाल के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, एक कंप्लीट जानकारी आप सभी लोग को देते हैं इस पोर्टल के बारे में। लोग कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो तो आप सभी लोग को अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे आ जाना है। डिजिटल सेवा पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे आप सभी लोग को सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप एक बार इस पर क्लिक कर दोगी एंड यहाँ पे आप सभी लोग को न्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगी। यहाँ पे आप सभी लोग को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ईजी जीओवी, जिसका दोस्तों इन शॉर्ट नाम है डीएससी पोर्टल, जिसको दोस्तों हम लोग लाभार्थी पोर्टल भी बोल सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है जिस पोर्टल में दोस्तों ऑल ओवर स्टेट में जितने भी सारे स्कीम्स होती हैं, साथ ही साथ नेशनल की जितने भी सारे गवर्नमेंट्स की स्कीम होती हैं, सारी स्कीम्स लोगों को प्रोवाइड हो सके। इसीलिए दोस्तों इस पोर्टल का नाम रखा गया है लाभार्थी पोर्टल, यानी कि जिन जिन लोगों को गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज का बेनिफिट लेना है या लाभ लेना है वो लाभार्थी पोर्टल में आके अपने कॉमन सर्विस सेंटर के पास जाके ये सारे स्कीम्स का फ़ायदा ले सकते हैं। ये तो मैंने बड़ी बड़ी बातें बोल दी, लेकिन दोस्तों ये पोर्टल सही में बहुत ही कमाल का है। चलिए दोस्तों अब मैं इसके बारे में सर्विसेज के बारे में आप सभी लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। ये पोर्टल पे आप सभी लोग आ जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन ऐड भी कर दिया गया है डिजिटल सेवा कनेक्ट का, तो आप सभी लोग एक बार इस पर क्लिक कर दोगे। मैंने एक बार इस पर क्लिक कर दिया, ये आप सभी लोग का डैशबोर्ड है। मैं भी दोस्तों अगर आप सभी लोग फर्स्ट टाइम लॉगिन सेवा कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप सभी लोग का ये डैशबोर्ड नहीं आएगा, कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा जिसमें कि दोस्तों कुछ बेसिक सी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। सारे डिटेल्स डालोगे तो आप लोग का जो डैशबोर्ड है कुछ इस टाइप से शो कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, मैं डिटेल्स बाय डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप आप सभी लोग को बताता हूँ। यहाँ पे आप सभी लोग को सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा सर्विस ऑल का, ठीक है। तो यहाँ से भी आप सी ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन का जो ऑप्शन दिया गया है ये इसमें भी आप सभी लोग क्लिक कर सकते हो। गवर्नमेंट की जितने भी सारे स्कीम्स होते हैं सारी स्कीम्स की यहाँ पे जानकारी आप सभी लोग को देखने को मिल जाएंगी एंड सारी स्कीम्स का बेनिफिट आप सभी लोग यहीं से लोगों को दे सकते हो, ठीक है। सारी स्कीम्स अवेलेबल है, आप चाहो तो कुछ भी चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को फिर भी रीड आउट करके बता देता हूँ। यानी कि अगर कोई सी एस सी वैली है और उसके सी एस सी सेंटर पर कोई एग्रीकल्चर यानी कि किसान आता है तो किसान के रिलेटेड कौन कौन से सर्विसेज है वो यहाँ पे आप सभी लोग को देखने को मिलेंगे। बहुत सारे सर्विसेज हैं किसान के एग्रीकल्चर में, देख सकते हो बहुत सारे। देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, साथ ही साथ चलिए मैं बता देता हूँ सबसे पहला जो सबसे बेहतरीन है देख सकते हैं कृषि अवार्ड योजना, जिसके अंतर्गत दोस्तों हर साल किसानों को 5,000 रुपये दिया जाता है, ठीक है। उसकी भी सर्विसेज यहाँ पे दी गई है एंड साथ ही साथ किसानों की बहुत सारे सर्विसेज दी गई है। सारे सर्विसेज का बेनिफिट आप सभी लोग इसी पोर्टल से लोगों को दे सकते हो। और हेल्थ रिलेटेड अगर लोगों को सर्विसेज देनी है आप सभी लोग को तो यहाँ पे मेडिकल और हेल्थ रिलेटेड गवर्नमेंट की जितने भी सारे सर्विसेज हैं सारे सर्विसेज आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो आयुष्मान भारत की हो गई, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके अंतर्गत दोस्तों जितने भी
महिलाएं हैं सभी महिलाओं को लगभग 5,000 रुपये दिया जाता है इंस्टॉलमेंट में। फुल डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, ठीक है। कल दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एजुकेशन में बहुत सारे स्कीम्स चलाए गए हैं जिसमें कि दोस्तों डायरेक्ट जो स्टूडेंट है उसको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट आप लोग के कॉमन सर्विस सेंटर पर आता है और बोलता है कि मुझे बाईसाइकिल चाहिए, मेरा जो स्कूल है वो काफ़ी दूर है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा भी स्कीम है बाईसाइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, जिसमें कि दोस्तों आप सभी लोगों को बाईसाइकिल प्रोवाइड कर सकते हो गवर्नमेंट स्कीम के तहत, ठीक है। कि चलिए मैं कोई एग्जांपल के तौर पे समझूँ, स्वच्छ भारत मिशन योजना, अगर किसी को शौचालय दिनवाना है तो उसका आप सभी लोगों को आवेदन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ये आप सभी लोग को पहले सर्वे कराया जाएगा, इसके बाद आप सभी लोग आवेदन कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले सर्वे होगा कि जो भी व्यक्ति आपके पास आया है उसका सर्वे कीजिए, ठीक है। तो वो मेल है या फीमेल है आप वो जेंडर चूज कर लोगे, उसकी एज कितनी है वो यहाँ पे आप सभी लोग को सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। इसके बाद जो व्यक्ति आप सभी लोग के पास आया हुआ है आवेदन करने के लिए वो रूरल से या अर्बन से उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों क्या उसके पास ऑलरेडी घर है या नहीं है तो वो यहाँ पे आप सभी लोग सिलेक्ट कर लीजिए। कस्टमर जो भी आया हुआ है आपके पास उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे आप सभी लोग डाल दीजिए, ठीक है। अब उसके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालोगे एंड लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो ऑप्शन दिया गया है जनरेट योर इंटरेस्ट, तो आप सभी लोग एक बार इस पर क्लिक करोगे जनरेट योर इंटरेस्ट के। अब यहाँ पे फिर से सर्वे ऑप्शन आ जाएगा, तो आप ये सारे सर्वे के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देख सकते हैं राशन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए कस्टमर के पास, साथ ही साथ देख सकते हैं एप्लीकेशन लिंक भी दे दिया गया है। आप इस एप्लीकेशन लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेना। अब यहाँ पे कॉपी जैसे मैंने कर लिया, अब यहां से आप सभी लोगों को अपने गूगल पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे पेस्ट करोगे यहां पे आप सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। हालांकि दोस्तों मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप सभी लोगों को नहीं बताऊंगा कि इसका रजिस्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है बताया हुआ है, तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। इसके साथ दोस्तों आने वाले दिनों में मैं आप लोग को सभी सर्विसेज के बारे में फुल डेडिकेट वीडियो भी बताने वाला हूँ डीएससी पोर्टल से किस प्रकार से आप सभी लोग सारे सर्विसेज करोगे। तो उसके लिए बेसिकली आप सभी लोग को कमेंट करना होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर आप सभी लोग कमेंट करोगे तो डीएससी पोर्टल से सारे सर्विसेज में किस प्रकार से आवेदन करना है पूरा डिटेल वीडियो बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप दोस्तों आप सभी लोग को डीएससी पोर्टल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हुई होगी। देखिए आप सभी लोगों ने देखा कि डीएससी पोर्टल से आप सभी लोग कौन कौन से सर्विसेज कर सकते हैं, वाले दिनों में ये सारे सर्विसेज किस प्रकार से आप सभी लोग को करनी है अपने कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू, ये सारे सर्विसेज के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों और एक इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक लिए टाटा एंड गुड।